श्री राधे। देव दीपावली हम कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी को, जिसे हम कन्या ग्यारस भी कहते हैं, व्यवहारिक भाषा में देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं, क्योंकि भगवान इस समय श्री हरि निद्रा से जागते हैं। हालांकि भगवान तो निद्रा कभी लेते नहीं, ये तो हमारी मान्यता है। अगर भगवान सो गए तो समझ लो सृष्टि सो जाएगी। तो देव दीपावली के दिन आपको करना है क्या है, देव दीपावली आपकी 23 तारीख में है। 23 तारीख में आपको सुबह जल्दी उठना है। कार्तिक में तो ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य उदय के पूर्व स्नान करना है। दिन भर आपको भगवान की पूजन की तैयारी करना है। सायंकाल गोधूलि वेला में जब महालक्ष्मी का आगमन होता है, उस समय गन्ने लाकर, क्योंकि गन्ने में महालक्ष्मी का वास होता है, गन्ने के मंडप के नीचे भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप में जो है उनको और तुलसी माता को रखकर आपको वहां पूजन करना है। क्योंकि इस दिन इसको तुलसी विवाह भी कहा जाता है, क्योंकि वृंदा देवी जिन्हें तुलसी कहा जाता है, इनका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ हुआ था। तो सांगोपांग पद्धति से अथवा जो आपको भाव से बन जाए, वैसे आप वहां पर तुलसी मैया और भगवान शालिग्राम का पूजन करें, भगवान की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के उपरांत रात्रि जागरण करें, भगवान का संकीर्तन करें। इस दिन दीप दान करने का विशेष महत्व बताया गया। वैसे तो कार्तिक के संपूर्ण मास में बताया गया है, किंतु ये पर्व महापर्व कहलाता है। तो इस दिन आप चाहे तो तावे का, चाहे तो चांदी का, सामर्थ्य है तो स्वर्ण का, आप दीप रखिए, उसमें बत्ती लगाकर और किसी विष्णु मंदिर में जाकर आप किसी ब्राह्मण को सत्संकल्प अगर आप दीप दान करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जितनी, अगर मान लीजिए किसी कारण से हमें नरक की यातना भी भोगना है, तो आपके रास्ते में वो दीपक जो रहेगा आपको प्रकाश देता हुआ जाएगा, और जब तक ये दीप दान का आपके वो फल मिलेगा, तब तक आप स्वर्ग और बैकुंठ में निवास करेंगे। इसलिए दीपदान अवश्य करिए। श्री राधे।